हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो, और आज देवाशी ने नई फ्रॉक पहनी थी। कैप्टन, आज नहाना भी है तुझे, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है। देवांशी अपनी फ्रॉक दिखा रही है। आज नहाना भी है तुझे, ठीक है? हैं जी। रोल। इसको नींद आ रही है ना अभी, चल सो जा। दोस्तों, कल मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर प्रैंक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप लोग देखिए मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। मैं भी देखूंगा। दोस्तों, अभी हम प्रैंक करने वाले हैं राशि पे, तो आई होप कि हम लोग पास हो जाएंगे, ठीक है? ये ना मैजिकल गिलास है, इसमें पानी रखते हैं ना तो कलरफुल हो जाता है, और मैं राशि के ऊपर। आ जाओ। देवांशी को मैंने सुला दिया है। और सो नो गाइस, नो, दिस इज नॉट गुड। ये फेयर नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। ओके, प्लीज डोंट दिस। अगर मुझे प्रैंक करना होता राशि पे, तो मैं बताता कि मेरे पास ये कलरफुल ग्लास है। हाँ, तो क्या हुआ? मैं दूर से ही करता, कभी भी ऐसे नहीं करता मैं, कभी नहीं। ना मैं ऐसा हूँ और ना मैं ऐसा करूंगा कभी भी नहीं। ये हमें तो डर जाती है दोस्त। एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। अरे एक्टिंग के लिए तो मैं राशि को ऑस्कर अवार्ड दूंगा, ऑस्कर अवार्ड। ये देखो हंस रही है। आज की होली में थोड़ा कमी लग रही थी, तो मैंने कहा ये कर ही देता हूँ। और ये मैजिकल ग्लास है, इसमें फिर से पानी भरेंगे ना, कलरफुल हो जाएगा। ले पता कैसा लग रहा है, जैसे कुत्ते ना सुसु कर रहे हैं। क्या है ना, थोड़ा जरा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बेटा इधर करंट है, तो हम भी दिखा देते हैं थोड़ा। हमने बहुत जगह गुजिया दी है और अभी भी बच गई है, तो ये चाय पीने के काम आएगी। और जरूरी नहीं है कि होली पे ही गुजिया बनाओ, आप लोग कभी भी बना सकते हो गुजिया। देवांशी, ये क्या कर रखा है तुमने? दोस्तों, मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी प्याज का पराठा बना रही है जो कि मुझे नहीं है पसंद। मम्मी ना प्याज का चीला बना रही है, है ना? मैं प्याज का और प्याज के पत्तों का चीला बना रही हूँ, और ये ना मेरी नई डिश है। तो आज मेरे हस्बैंड खाने वाले हैं मेरे हाथ से कोई नई डिश। चलो। पापा, आपका रेबू ने फोन चुरा लिया था। मेरा फोन? ये हम धनिया भी मिला रहे हैं, मिला दो ताकि धनिया की खुशबू भी आए थोड़ी सी। जो प्याज के चीले हैं वो मैं बेसन से नहीं बना रही हूँ, वो मैं आटे से बना रही हूँ। वैसे आप लोग बेसन से भी बना सकते हो। तो ये आटा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि राशि को चीला बहुत अच्छा आटा। जो गांव से मेरी सासू माँ ने हल्दी भेजी थी ना, तो आज मैं उसी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ चीले में, तो मैं ना हल्दी थोड़ा कम डालूंगी। ये बहुत शुद्ध हल्दी है, थोड़ा कम भी डालेंगे ना तब भी ये अपना असर दिखा देती है। देखो इसका कलर। और ये है मिर्ची,
ये है नमक, मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मिला रही हूँ, और आपको मिलाना है तो मिला सकते हो, और अगर नहीं मिलाना है तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगा। ये थोड़ा सा अजवाइन मिला रहे हैं ताकि पेट सही रहे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये चिया सीड है, बहुत ही हेल्दी होता है, और हम इसको मिला रहे हैं। देखो दोस्तों चिया सीड बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे फाइबर, प्रोटीन। इसको लोग जूस में भी पीते हैं, पानी में भी पीते हैं, और हम लोग इसको रोटी में मिला देते हैं क्योंकि पानी में ना राशि याद ही नहीं दिलाती है। जैसे हम लोग नॉर्मली चीला बनाते हैं और ऑमलेट बनाते हैं, इसको भी ना वैसे ही बनाना है। जय श्री राम। आ गई थी ना देखो उधर चले जा, बच्चे उधर भेज दो, जाओ किचन के बाहर जाओ, थोड़ा तेल डालो। ये बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना। चलो आ जाओ सर। हमेशा उल्टे काम। देवांशी के पैर में चोट लग गई और थोड़ा सा खून निकलने लग गया, ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन हम लोग ना डर गए थे। और ये हमारे पास आकर के बोल रही है अभी कि पापा थून थून, अब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ, फिर जब इसके हाथ में हमने खून देखा तो हमें लगा ना पता नहीं कहाँ पे कड़ी है बहुत ज्यादा, और मेरे हस्बैंड ना ज्यादा ही डर गए, बहुत ज्यादा। मेरे को तो मैं शॉक हो गया था ना, और मैंने ना दवाई लगा दी, अब मैं ये लगा रही हूँ बैंडेज। थोड़ा सा लगाएंगे, कुछ नहीं देवांशी की उंगली ना बहुत छोटी है, उसमें लग भी नहीं रहा सही से। हमने पहले पानी से धो दिया था अच्छे से, उसके बाद हमने एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई इस पे, और अब बैंडेज लगा रहे हैं। देवांशी यहाँ पर खेल रही थी रुद्धू के साथ, पता नहीं कैसे हुआ, क्या कर रहा है, कैसे लगी चोट आपको? यहाँ पर यहाँ पर कैसे लगी आपको चोट, क्या कर रही थी आप, क्या बोल रही हो, पैर से लग गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे लगी आपको। जब तुम बोलना सीखोगी ना देवांशी, तब तुम भूल भी जाओगी। जब खून देखा ना मैंने, मैं सच में डर गया था यार। सही से नहीं लगा, इतना भी नहीं होता है, ठीक है, दूसरे को भी डराते हो तुम। और कैसे लगी चोट आपको, ऐसे कैसे, ऐसे। बच्चों के साथ बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं भाई, पता नहीं चलता रीजन। रुद्धू क्या खाएगा, पिज्जा, पिज्जा। और देवांशी क्या खाएगी, भात, भात, बादल, बादल, बादल। और पापा क्या खाएगा, भात, भात। तो ये प्याज का चीला है और इसको खाते हैं। पापा अच्छा, खाने तो दो। कैसा बना है,
कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, और इसे ना हम सूजी में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। बेसन में भी बना सकते हैं, लेकिन ना सुबह सुबह नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया है, और हम लोग डिनर में खा रहे हैं इसको। मैं एक चीला कब खा गया मुझे पता भी नहीं चला दोस्तों, इतना अच्छा हो रहा है, ये सॉफ्ट है बहुत। मेरे भाई को भी ना चीला बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आके क्यों नहीं खा रहा हूँ? उसने खा भी लिया कब गई। खाना खा लो यार। दोस्तों कल रुद्रांश का इंग्लिश का पेपर है, और रुद्रांश को ना अपने बारे में इंग्लिश में कुछ लिखना है, तो ये आपको ना सुनाएगा कि क्या लिखे गए। माय नेम इज रुद्रांश, आई एम द बॉय, आई एम 5 ईयर ओल्ड, आई लाइक एप्पल एंड मैंगो, आई एम वेरी हैप्पी। गुड बॉय।